ज्ञान द ट्रेसर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आप राहु ग्रह से पीड़ित हैं तो उसके लिए हम आपको टोटका बताने जा रहे हैं। राहु ग्रह से काफ़ी लोग पीड़ित रहते हैं और राहु थोड़ा सा परेशान भी करते हैं कभी कभी, और जब देने पे आते हैं तो वही छप्पर फाड़ के देते भी हैं। तो एनीवे, अगर आप पीड़ित हैं तो हम आपके लिए टोटका बताने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को अष्ट धातु का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए, अष्ट धातु का ये साथ में। हाथी दांत का लॉकेट गले में धारण करना चाहिए। अपने पास सफेद चंदन अवश्य रखना चाहिए। सफेद चंदन की माला भी धारण की जा सकती है। जो जमादार होते हैं, जो झाड़ू वगैरह मारते हैं आपके बिल्डिंग में, आप उनको तंबाकू का दान कीजिए। आपका राहु जो है धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा। आपकी जो तकलीफें हैं राहु की वजह से वो दूर होती चली जाएगी। पांचवा टोटका, दिन के संधि काल में अर्थात सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास रुपया अटक गया हो तो प्रातःकाल पक्षियों को दाना चुगाना चाहिए। और आखिरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, और वो ये है कि आपको झूठी कसम कभी नहीं खानी चाहिए। राहु के दुष्प्रभाव निवारण के लिए जो आपको बेस्ट दिन है टोटका करने के लिए वो है शनिवार, शनिवार के दिन, या फिर जो राहु के नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ये तीन नक्षत्र, या फिर शनि की होरा में अधिक शुभ होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। राहु से जो लोग कष्ट पा रहे हैं तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।